हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको कल अपलोड की हुई डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, उसको कैसे बनाना है। मैं फैब्रिक से बनाने जा रही हूँ। मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और उसकी मैंने पतली पतली पट्टियाँ काट ली हैं। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पट्टियाँ काट रही हूँ। फिर इसके बाद हमें अपने फ्लावर के हिसाब से कागज़ के टुकड़े को काटना पड़ेगा। उसके छोटे छोटे उसको डिज़ाइन करके हम कागज़ का टुकड़ा काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ मैंने किस तरह से काटे हुए हैं। तो फिर उनको हम कपड़े पे रख के निशान लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं निशान किस तरह से लगा रही हूँ। इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। और फिर इस तरह से हम कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से निकाल के फिर जहाँ से हमने निशान लगाया है फिर उसको हम बराबर करके इसको काट के सही करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको बराबर किए हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये हमारी इसी तरह हम लीफ को भी काटेंगे, कली को भी काटेंगे, फ्लावर का भी काटेंगे। अब हम चलते हैं। इसी तरह हम सब काट लेंगे। और हमने पहले से काउंट करके रखे हैं कितनी कितनी हमें पत्तियाँ, लीफ और कली काटनी है, तो हमने वो काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कि अब हम स्टिचिंग पे आ गए हैं, सिलाई करेंगे हम इसकी। अब ये मैंने पहले से सिलाई कर रखी है, अब उस पर मैं डिज़ाइन करूँगी। जो मैंने पट्टी काटी हुई है उसको मैं लाइनिंग पे रख के सिलूँगी। आप देख सकते हैं मैं ये उल्टा सीधा है, जो सीधी साइड रहेगी वो हम नीचे की तरफ करेंगे और जो उल्टी साइड रहेगी वो उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। सिलाई करने के बाद फिर हम उसको धीरे धीरे घुमाते हुए राउंड करते हुए सिलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। जिस तरह हम बनाते हुए इसको अच्छी तरह से बनाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलने के बाद सिलाई करेंगे राउंड राउंड करके अच्छे से लाइनिंग पे ही सिलेंगे। इसको वेलवेट के ही कपड़े से बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह खुद बहुत सिलने के बाद फोल्ड करेंगे तो अच्छे से फोल्ड हो जाता है, और कोई फैब्रिक फोल्ड नहीं होता है जल्दी।
तो इसके लिए हम वेलवेट से ही बनाते हैं। वेलवेट का अचार अच्छा होता है, उससे जल्दी तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से सिली हूँ, इसे घुमा के पूरा राउंड से सिलेंगे। सिलने के बाद सिंधी तरफ से हम फोल्ड कर देंगे, उल्टी तरफ और के फोल्ड कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये हमने सिली है। इसको पूरा करने के बाद हम यहाँ बचे हुए पट्टी को काट कर निकाल देंगे और फिर फोल्ड करके दोबारा से सिलाई चलाएंगे। तरह से हमने सिल ली है। अब हमने सिलाई जिस तरफ की है उसी तरफ हमें फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और उसी पे फिर सिलाई करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलना है पूरा। हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए हल्के हाथों से बनाते हुए इसको हम पूरा जहाँ से सिल के लेके गए हैं वहाँ तक वापस सिलते हुए पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, हमारी सीधी साइड आ गई है सिलने के बाद। इस तरह से हम सारी डालियाँ बनाएंगे, और जितनी भी हमने डिज़ाइन की है पहले सारी की सारी डालियाँ बनाएंगे, उसके बाद ही फ्लावर या लीफ ज्वाइन करेंगे इसमें, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। पहले हमें सारी डाली बनानी है, इसके बाद ही हमें फ्लावर बनाना है, कलियां बनानी है, लीफ बनानी है, उसके बाद ही फ्लावर डाली तैयार कर बनाएंगे। इस तरह सिलने के बाद फिर हम इस तरह से फोल्ड करके
दोबारा उस पर सिलाई चला देंगे, सिलाई करेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे। सारी डालियाँ हमें इस तरह बनानी है। अब हम चलते हैं फ्लावर की तरफ। ये फ्लावर को मैंने टांचनी से लगा रखा है। फ्लावर को हम पहले सही से लगा लेंगे टांचनी के सहारे से, उसके बाद इसके किनारे किनारे सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद बीच में हम लीफ की तरह से हल्की सिलाई देंगे। से बनाने के बाद बीच में हम ये राउंड सा फैब्रिक काट रखा है, आप देख सकते हैं, इसको बीच में लगा के फिर हम इस पर सिलाई करेंगे। सिलने के बाद भी आपको मैं इसको बताऊंगी। तो हम लीफ की तरफ कली की तरफ चलेंगे। ये हमने कलियाँ काट जोड़ रखी हैं यहाँ पे, इस पर भी हम किनारे किनारे स्टिचिंग करेंगे, पहले सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद बीच में इसमें भी थोड़ा सा सिलाई करेंगे ताकि उबड़ा ना रहे। आप देख सकते हैं मैंने सिलाई कर लिया है, और ये सिलाई करने के बाद कैसे दिख रहे हैं आप देख रहे हैं। बीच में मैंने किस तरह से सिलाई की है, इसमें फ्लावर में बीच में मैंने किस तरह से सिलाई की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बनेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इस वीडियो को पूरा बनाने के बाद आपको फिर दिखाऊंगी, फिर आऊंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।